आदिवासियों की सदियों पुरानी धार्मिक पहचान की मांग पर राज्य सरकार ने पहल कर दिया है, जिससे आदिवासी समाज का एक बड़ा तबका बेहद खुश है। लेकिन अब इसी समाज का एक तबका इससे नाखुश भी है, जो राज्य सरकार द्वारा पारित सरना आदिवासी धर्म कोड के प्रस्ताव को रद्द करने की मांग कर रहा है। आदिवासियों की मांग पर राज्य सरकार ने विशेष सत्र आहूत कर धार्मिक पहचान देने का प्रस्ताव किया, जिसके बाद से ही आदिवासी समाज में खुशी की लहर है। समाज के लोग विजय जुलूस निकालकर खुशी जाहिर कर रहे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दे रहे हैं। आदिवासी समाज अपने संघर्ष के बल पर धार्मिक पहचान की मांग को लेकर आगे बढ़ रहा है, जिस पर कुछ आदिवासी सामाजिक संगठन रोड़ा बन सकते हैं। दरअसल राज्य सरकार के द्वारा पारित प्रस्ताव से आदिवासी समाज का एक तबका नाखुश है, जिसका मानना है कि राज्य सरकार के द्वारा पारित प्रस्ताव से आदिवासी सरना धर्मावलंबियों को बड़ा नुकसान होगा। धार्मिक पहचान मिल जाने से आदिवासी समाज अल्पसंख्यक के श्रेणी में आ जाएंगे, जिसे लेकर ये लोग महामहिम राज्यपाल से पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं। भारतीयों को, आदिवासियों को संवैधानिक हक और अधिकार जो प्राप्त हो रहा है, जो 342 या अन्य जो हमारा धारा के तहत, उस पर हम लोग को लग रहा है कि इसमें हमारा जो मूल जनजातियों को हानि और नुकसान होगा। आदिवासी के पहले यहाँ भारत में गिनती नहीं हुआ था क्या? उसका जनसंख्या स्पष्ट नहीं है क्या? उसका फिफ्थ शेड्यूल में जो ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा जो आता है उसका खर्च नहीं हो रहा है क्या? उसका भाषा संस्कृति और उसका सामाजिक जमीन का जो संरक्षण और संवर्धन करता है उसके लिए कानून नहीं बना हुआ है? ये सरकार यहाँ का लोगों को, भारत के जनजाति समाज का लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है और दिग्भ्रमित कर रहा है। राज्य सरकार ने जैसे ही सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पास किया, उसके बाद से समाज का नेतृत्व कर रहे कई सामाजिक धार्मिक संगठन के लोग केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लगातार कई कार्यक्रम आयोजित कर समाज को संगठित करने का काम किया जा रहा है। इनका कहना है कि संविधान की सही जानकारी नहीं होने की वजह से समाज के कुछ लोग अपने ही लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर नजर बनाए हुए हैं। जल्द ही सभी आदिवासी सामाजिक धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों संग बैठक कर ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर समाज से बहिष्कार करने का काम करेंगे। हम ना हिंदू हैं, ना हम मुसलमान हैं, ना ईसाई हैं, ना जैन हैं, ना बौद्ध हैं, ना सिख हैं। हमारा अलग से एक अलग पहचान आजादी से पहले से 1871 से 1951 तक रहा है, तो उसको कैसे मिटाया जा सकता है? यह जानती है कि आदिवासियों का अलग से धर्म कोड होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि आदिवासी का जो भी अपना रीति रिवाज है, सिस्टम कस्टम है, ये सब कुछ अलग होता है। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो भी सिस्टम कस्टम है, जो भी नियम कानून है, वो सभी से भिन्न है। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि आदिवासियों का अलग से धर्म कोड होना ही चाहिए। राज्य में सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पास होने से पहले आदिवासी समाज का दो तबका अलग अलग नाम से धार्मिक पहचान की मांग कर विवाद खड़ा कर दिया था, जिस पर राज्य सरकार ने सभी की भावनाओं को कद्र करते हुए प्रस्ताव पास किया, जिससे दोनों तबका सहमत है और खुश भी। लेकिन वहीं कुछ आदिवासी सामाजिक संगठन इस प्रस्ताव के खिलाफ उतर आए हैं, जबकि आदिवासियों की लड़ाई अब भी काफी दूर है। वैसे भी जरूरत है सभी सामाजिक धार्मिक संगठनों को एक मंच पर आकर समन्वय बनाने की, तभी आदिवासियों को अपना धार्मिक पहचान मिल पाएगा। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए दीपक उरांव की रिपोर्ट।